सीएम योगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात को लेकर एक तरफ तमाम चर्चाएं चल रही थी। इस मुलाकात को लेकर कई मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन कल शाम होते होते इस मुलाकात पर गजब का सस्पेंस खड़ा हो गया, क्योंकि कल शनिवार को जब ये बैठक गोरखपुर में होनी थी, दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी। इस मीटिंग की टाइमिंग को दो बार बदला गया, पहले दोपहर और फिर शाम के लिए इस बैठक को स्थगित कर दिया गया, जो अब तक फाइनल नहीं हो पाई है। हालांकि क्यों ऐसा सस्पेंस है, क्यों इस मुलाकात को लेकर अलग अलग टाइमिंग के बावजूद ये मीटिंग नहीं हो पाई, इसका कोई माकूल जवाब या वजह सामने नहीं आ पाई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस दौरान चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन और यूपी में कामकाज को लेकर चर्चा हो सकती है। ऐसे में भागवत और योगी की मुलाकात काफी अहम है, खासकर तब जब बीजेपी को यूपी जैसे अपने गढ़ में इस तरह की हार का सामना करना पड़ा कि वो 33 सीटों पर ही सिमट गई। ऐसे में इस करारी शिकस्त के बाद योगी और भागवत की मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस मुलाकात पर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी की बड़ी हार के बाद से संघ और बीजेपी में एक अलग तरह की तलखी देखने को मिल रही है। फिर चाहे संघ प्रमुख के 10 जून के बयान को देखें या फिर संघ के नेता इंद्रेश कुमार का राम को लेकर दिया गया वो बयान, वही संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आलोचना भी हुई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत से मुलाकात को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं कि इस माहौल में दोनों की मुलाकात के भी क्या कई संदेश हो सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर भी चुनाव के बीच से जो चर्चा शुरू हुई वो अभी तक थमी नहीं है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए संघ प्रमुख बीजेपी हाईकमान को एक बड़ा मैसेज दे सकता है, लेकिन अब जिस तरह से मुलाकात अधर में लटकी है उससे भी अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि माना जा रहा है कि ये मुलाकात आज कभी भी हो सकती है, क्योंकि यूपी सीएम भी गोरखपुर में है और मोहन भागवत भी। भागवत 5 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे हैं। वो यहां पर 3 जून से चल रहे कार्यकर्ता विकास वर्ग में हिस्सा लेने बुधवार की शाम पहुंचे थे, जहां वो स्वयंसेवकों को उनकी कार्यकुशलता और संघ के लिए उपयोगी बनने का मंत्र दे रहे हैं। वैसे इस मीटिंग पर जो सस्पेंस है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। साथ साथ मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार का वो बयान भी सुनते जाइए, जिसके बाद अलग अलग तरह की बातें शुरू हो गई। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा, और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। भारत का वो जीवन ध्येय है पूरे विश्व की सेवा, वो करने लायक भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जन्म में कुछ दुनिया के इतिहासकारों ने रामायण का काल 9-10 हजार साल पहले कहा है, परंतु सत्य के आंकड़े बोलते हैं कि 9-10 हजार साल नहीं 9-10 लाख वर्ष पुराना है। एक आंकड़ा ये बोलता है प्रभु का राज्य 1000 वर्ष का, एक इतिहास बोलता है कि 10000 वर्ष का राज्य था। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है, जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक इन्होंने नंबर दो पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी,
और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया, कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो मेरे अहंकार करे और जो राम का विरोध करे। गोरखपुर से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।